हेलो बच्चों, तो यार आज अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से, राइट। तो क्या सारा सीन है भैया, डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्या सारा सीन है, व्हाट इज द ओपन काउंसलिंग एंड ये कैसे कंडक्ट होती है, राइट। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और इससे पहले आप सभी को दिल से हैप्पी दीपावली गाइस, आप सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है उनका जल्दी हो जाएगा, और जिनका हो चुका है आप भी हैप्पी दीपावली मनाइए और अच्छे से मनाइए। इस बार एक दिवाली पड़ोस की दुकान की ओर ध्यान दीजिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ सीयूईटी एग्जाम दिया था और किसी भी, मान लो किसी भी कॉलेज को अपने आप को टारगेट नहीं किया था, या फिर काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, डोंट वरी गाइस, ये काउंसलिंग आपके लिए हैप्पी दीपावली, ओके। सो जिन भी बच्चों ने यार फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका तो जिन्होंने या तो इस कॉलेज में अप्लाई किया होगा या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, दोनों ही बच्चे अप्लीकेबल हैं। यूजी वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो आपकी जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स की डिटेल दी गई है कि 21 अक्टूबर तक रिलीज कर दी जाएगी, हालांकि अभी तक रिलीज नहीं की गई है लेकिन शाम तक रिलीज कर दी जाएगी, ओके। अब अगर मैं इसके बात करें कोर्सेस एंड अदर की, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट कोर्सेस के अंदर काफी सारी सीटें बची है, ओके। सो आपको 31 अक्टूबर का टाइम दिया गया है, आपको 31 अक्टूबर को ऑफलाइन विजिट करना है हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जस्ट लाइक विलेजेस टाइप ही यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हो, ठीक है, अर्बन के अंदर नहीं है, रूरल वगैरह के अंदर है, वैसे पूरा का पूरा हरियाणा ही आप मान सकते हो यार, ये रूरल टाइप ही है, ठीक है, यहाँ पे आपको किसान वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो हरियाणा का यार डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ के अंदर एक जगह है जस्ट लाइक पाली टाइप कुछ ऐसा बना हुआ है, तो वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, काफी बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी के अंदर, हरियाली काफी आपको देखने को मिल जाती है, लश ग्रीन कैंपस है, राइट। तो आपको 31 अक्टूबर तक आना है। स्पेशली मैं अगर कोर्सेज की बात करूं तो यार आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बीवॉक हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे कोर्सेज के अंदर जो है काफी लो मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहले आप यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करेंगे, आपको एटलीस्ट 9-10 बजे के जो भी आपको टाइम दिया गया आपको वहां पे एप्लीकेशन ऑफलाइन फिल करना है, उसके बाद टिल 2 बजे के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, वहां के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगेगा, फिर आपको जो है पेमेंट करना है यूनिवर्सिटी को, हालांकि वहां पे मेंशन किया गया कि आपको पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड के अंदर करना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वहां पे लेके जाएं और जो है वहां पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और बेटर अपडेट के लिए जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट दिया गया, तो आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, हालांकि आपको वहां पे जो है POV मशीन वगैरह देखने को मिलती है जहां पे आपके स्वाइप करके आप पेमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे जरूर लेके जाने हैं, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स के मैं नाम बताना चाहूंगा, जैसे आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, माइग्रेशन गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका डोमेसाइल, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूर से लेके जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको अपनी जो भी प्रॉपर फीस दी गई है एडमिशन के लिए वो पूरी की पूरी फीस लेके जानी होती है, और इस प्रकार से जो आपका एडमिशन कंडक्ट होता है। इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर पीजी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यार उनके लिए भी ओपन काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है। जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया हो या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक इस बात से पड़ता है कि आप वहां पे जाते हैं या नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, तेलंगाना से, बिहार से, ऑलमोस्ट बच्चे यार विजिट नहीं करते हैं, काफी कम बच्चे जो है ऑफलाइन विजिट करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट ऐसी होती है जो कि जाती ही नहीं है कि भैया कौन जाएगा, कितना परेशान होंगे, पेरेंट्स साथ में नहीं जा रहे। तो आप सभी लोगों से जरूर से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी एडमिशन चाहिए जरूर से विजिट करिए यार यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों के जो फीडबैक है, रिव्यूज है, वो काफी गलत गलत आ रहे हैं रिगार्डिंग, चाहे वो CSE डिपार्टमेंट हो चाहे अदर हो, तो इसके बारे में आप जो है यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर से अपडेट जरूर जान ले। आप अपने सीनियर वगैरह से जो भी वहां पे पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू जरूर जाने। हालांकि अभी हम जो कॉलेजों के रिगार्डिंग केस स्टडीज लाने वाले हैं, कौन कौन से कॉलेजों के क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, क्या सारा सीनियरियो है, पीजी के जो स्टूडेंट है उनका यार मेरिट लिस्ट जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो
22 ऑफ अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही जो है आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी 3 नवंबर 2022 को। तो आप लोगों को जो है 3 नवंबर को यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करना है ऑफलाइन, 8 बजे के आसपास आपको पहुंच जाना है। इसलिए आप जो है एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर जस्ट लाइक वहां पे आसपास जो भी होटल वगैरह हो वहां पे आप रेसिस्टेंस जो भी है विजिट कर लें, उसका कि आपको जो है यूनिवर्सिटी पहुंचने में काफी आसानी हो, ठीक है। इसके लिए आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं, गूगल मैप वगैरह आजकल काफी ज्यादा पर्सनल में रहते हैं। ओके, सो 3 नवंबर को आपको वहां पे जाना है। पहले जो है आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना। हालांकि यूनिवर्सिटी जो अपना कुछ भी चार्जेस भी ले सकती है, 100 रुपए 200 रुपए स्पॉट काउंसिलिंग के लिए। फिर जो आपके मेरिट लिस्ट लगेगी नोटिस बोर्ड के ऊपर, आपको अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम वहां पे आता है तो जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट करा के आप जो अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। यार इस प्रकार से जो है ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट होती है। जिन भी स्टूडेंट को और ज्यादा गाइडेंस चाहिए कि हमारा एडमिशन नहीं होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स पे हो जाएगा, या फिर किस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो सकता है, या फिर किस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, वो जो हमारा CUET पेड काउंसलिंग प्लान के अंदर इनरोल कर सकता है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, जिसका जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आपको मिल जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों को हैप्पी होली, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली बच्चों। थैंक यू।